बिहार के सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षक को लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कदम उठाने का फैसला ले लिया। शिक्षकों पर और स्कूल पर अब कड़ी नजर होगी। नजर खुद शिक्षक ही बनाएंगे और रैंकिंग भी शिक्षक और विद्यालय का ही होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब बिहार के एसीएस एस सिद्धार्थ, बच्चों में क्या है विकास, स्कूलों में है कैसी व्यवस्था, इन तमाम चीजों के लिए बड़ी कदम उठाने जा रहे हैं। साल में दो बार स्कूलों की रैंकिंग, शिक्षकों की दस्ता को देखा जाएगा। जब स्कूल की रैंकिंग होगी तो शिक्षकों की दस्ता सक्षमता प्रदर्शित होगी, इसके लिए खास व्यवस्था कर दिया है। आगे की एक और व्यवस्था बता दें कि अब शिक्षा विभाग 11 बजे स्कूल के पास में फोटो और वीडियो भेजने के लिए आदेश करेगी। बिहार के 100 विद्यालय चुने जाएंगे और 12 बजे तक उन्हें वीडियो फोटो उपलब्ध कराना होगा और उसी के आधार पर स्कूल की जांच भी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तमाम लोगों। दोस्तों, हम बता दें कि लगातार इन दिनों शिक्षा विभाग प्रयोगशाला बना हुआ है। अभी यह प्रयोग की विधि और तिथि चलती रहेगी। के पाठक ने जो लकीर खींच दिया है प्रयोग करने की, प्रयोग अभी नहीं थमेगा, धीरे धीरे इसकी आहिस्ता होगी। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग एक और बड़ी कदम उठा ली। अब स्कूल और शिक्षकों की रैंकिंग, विद्यालय जांच करने का ठर्रा जो है उसमें बदलाव, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। सभी सरकारी स्कूलों की साल में दो बार रैंकिंग की जाएगी। थोड़ी विस्तार से सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तब जाकर पूरी बात समझ में आएगी। चाहे आप सरकारी किसी प्रकार के शिक्षक हों, चाहे नियोजित शिक्षक हों, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हों, पुराने बीपीएससी से बहाल शिक्षक हों, या फिर 34,540 से बहाल शिक्षक, तमाम तरह के शिक्षकों को इस वीडियो को देखनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में सभी सरकारी स्कूलों की अब वर्ष में हर वर्ष जो है दो बार रैंकिंग होगी। यह रैंकिंग हर साल नवंबर एवं मार्च में होगी। रैंकिंग के लिए प्राइमरी, मिडिल तथा हाई स्कूल प्लस टू स्कूलों के लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार शिक्षा विभाग ने की है। उसमें स्कूलों में संचालन, विभिन्न गतिविधियां, यथा शिक्षण और अधिगम संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, सहशैक्षणिक गतिविधियां इत्यादि के लिए भारांक तय किए गए हैं, जिसका कुल योग 100 रखा गया है। रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी रूप से की जाएगी। रैंकिंग में 85 से 100 मरांग हासिल करने वाले स्कूलों को A+ ग्रेड के साथ 5 स्टार मिलेगी। 75 से 84 मरांग हासिल करने वाले स्कूलों को ग्रेड ए ग्रेड के साथ 4 स्टार मिलेंगे। 50 से 74 मरांग हासिल करने वाले स्कूलों को बी ग्रेड के साथ 3 स्टार मिलेंगे। 25 से 49 मरांग हासिल करने वाले स्कूलों को सी ग्रेड के साथ 2 स्टार मिलेंगे और 0 से 24 मरांग हासिल करने वाले स्कूलों को डी ग्रेड के साथ 1 स्टार मिलेंगे। शिक्षण और अधिगम पर 60 मरांग, साफ सफाई और स्वच्छता पर 15 मरांग, संसाधन उपयोग पर 12 मरांग, स्वशैक्षिक गतिविधियों पर 10 मरांग और शिकायत निवारण पर 3 मरांग तय किए गए। बता दें आपको कि शिक्षण अधिगम में अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में औसत अंक 20 मरांग, मासिक जांच परीक्षा में औसत अंक 10 मरांग, पिछले 3 माह में छात्रों की औसत उपस्थिति पर 10 मरांग, पिछले 3 माह में शिक्षकों की औसत उपस्थिति पर 10 मरांग,
छात्रों के क्लास वर्क, होमवर्क, वर्कशीट की नियमित जांच पर 5 भारांक, विद्यालय अवधि के उपरांत सहायक कक्षा मिशन दक्ष पर 3 भारांक एवं नियमित रूप से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी पर 2 भारांक तय किए गए हैं। आपको बताते चले कि साफ सफाई पर भी खासा नजर रखा गया है। साफ सफाई और स्वच्छता के तहत अच्छी तरह से तैयार, जैसे कटे नाखून, संवरे बाल एवं साफ स्वच्छ पोशाक युक्त छात्र पर 5 भारांक, कक्षा की साफ सफाई पर 2.5 भारांक, रसोई घर की साफ सफाई पर 2.5 भारांक और शौचालय, यानी कि कह सकते हैं कि विद्यालय परिषद के साफ सफाई पर भी 2.5 अंक निर्धारित किए गए हैं, 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, शौचालय की साफ सफाई पर 2.5 भारांक तय किए हैं। संसाधन उपयोग के तहत नामांकित छात्रों के अनुपात में कक्ष में उपलब्धता पर 2 भारांक, लर्निंग वाटर जलापूर्ति की व्यवस्था एवं ओवरहेड टैंक की कार्यात्मक स्थिति पर 2 भारांक, ICT लैब यानी प्रयोगशाला के उपयोग पर 2 भारांक, स्टेम विज्ञान लैब प्रयोगशाला के उपयोग में 2 भारांक और पुस्तकालय के उपयोग पर भी 2 भारांक तय किए गए। स्वशैक्षिक गतिविधियों के तहत चेतना सत्र में बच्चों की सक्रिय भागीदारी पर 2 भारांक, योग व्यायाम और नियमित खेल आयोजन पर 2 भारांक, संगीत नृत्य चित्रकला आदि गतिविधियों के नियमित आयोजन पर 2 भारांक, स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोलियां, आंखों की जांच आदि पर 2 भारांक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल दिवस के लिए वार्षिक आयोजन पर 2 भारांक निर्धारित किए गए हैं। आपको बताते चले कि शिकायत निवारण के तहत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से प्राप्त शिकायतों के समाधान पर 3 भारांक तय किए गए हैं। सरकारी स्कूलों की रैंकिंग को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ द्वारा बीते बुधवार को कह सकते हैं राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। अपने निर्देश पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि राज्य सरकार का शिक्षा विभाग राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में विद्यालयों में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के समग्र विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ उनके सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवहार का परिमार्जन आवश्यक है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालयों का वर्ष में 2 बार क्रमशः नवंबर एवं मार्च में रैंकिंग कराने का निर्णय लिया गया है। रैंकिंग के लिए तैयार प्रपत्र यानी फॉर्मेट की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने कहा है कि इसकी प्रति सभी प्रधानाध्यापकों को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे। इस विषय के महत्व एवं संवेदनशीलता के मद्देनजर इसके प्रति सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि शिक्षा विभाग की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प के अनुपालन हेतु सभी यथोचित कार्रवाई करेंगी। तो इस तरह से जब विद्यालय की ग्रेडिंग होगी तो उसमें अपने आप शिक्षकों की भी ग्रेडिंग होगी। अगर स्कूलों में व्यवस्था सही है तो उसका वाहवाही शिक्षकों को ही मिलेगा, अगर गड़बड़ी है तो उसकी गाज जो है शिक्षक पर ही गिरेंगे। तो यह विद्यालय की नहीं, शिक्षकों की रहेंगी। दूसरी बात बता दें कि शिक्षा विभाग एक और योजना ला रही है जिसमें प्रतिदिन 100 स्कूलों की जांच होगी सीधे पटना से विद्यालय प्रधान के पास में 100 स्कूलों को चयन किया जाएगा। सीधे पटना से फोन आएगा विद्यालय प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के पास कि आप 1 घंटे के अंदर में, 11 बजे फोन आएगा और 12 बजे उनसे फोटो वीडियोज मांगे जाएंगे और कहा जाएगा कि आपके यहाँ जो भी अभी चल रहा है कार्यक्रम, भोजन चल रहा हो, पढ़ाई चल रहा हो, स्कूल में किस प्रकार से साफ सफाई है, शौचालय का तस्वीर वीडियो, आपका रसोई घर का वीडियो फोटो, आपका क्लासरूम का, हेडमास्टर कक्ष का यानी ऑफिस का, तमाम जगहों का फोटो मिलेगा। उसके लिए आपको भेजा जाएगा कि फलना फलना चीज़ का फोटो और वीडियो बनाकर भेजिए, उसी के आधार पर जांच किया जाएगा। ये सिद्धार्थ साहब ने कहा है कि 1 घंटे के समय में सब कुछ विद्यालय में नहीं बदल जाएगा, अचानक उन्हें कहा जाएगा तो जो रहेगा वह उपलब्ध कराएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या होगा। इसको सीधे डॉक्टर ए सिद्धार्थ देखेंगे
और देखेंगे कि हमारे विद्यालयों में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। अगर बच्चे ड्रेस में नहीं है तो 1 घंटे के अंदर में सभी बच्चे ड्रेस में नहीं हो जाएंगे। अगर विद्यालय में साफ सफाई नहीं है तो 1 घंटे में पूरा साफ सफाई नहीं हो जाएगा। अगर मध्याह्न भोजन सही से नहीं बन रहा है तो पूरे 1 घंटे में नहीं हो जाएगा। यह सोच के साथ इस कार्यक्रम को, इस योजना को लागू करने की कोशिश में बिहार शिक्षा विभाग है और बहुत जल्द ही परीक्षा के बाद इसको शुरू करने की भी योजना बना दी गई है। तो इस प्रकार से अब शिक्षकों को, जिस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में जो है शिक्षक अपने विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाकर एविक्शन कार्य कर रहे हैं, यह भी पहली बार बदलाव देखा जा रहा है। मैट्रिक और इंटर के तर्ज पर यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके विचार में क्या कुछ आता है इस संबंध में जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।